उधर अमेरिका ने चीन की 13 ड्रोन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिनमें दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन बनाने वाली कंपनी DJI टेक्नोलॉजीज भी शामिल है, लेकिन उसे भी अमेरिका ने बैन कर दिया। इसके साथ ही चीन की 11 दूसरी ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसके बाद चीन की ये सभी कंपनियां अमेरिका में अपना कारोबार नहीं कर पाएंगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन की उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जिनके संबंध उसने चीन की सेना से पाए। पेंटागन ने ड्रोन बनाने वाली चीन की 13 कंपनियों पर चीनी सेना से जुड़े होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद ऐसी कंपनियों की लिस्ट तैयार की गई, क्योंकि पेंटागन का मानना है कि ये कंपनियां अमेरिका के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। और यही वजह रही कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन बनाने वाली कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट करने से नहीं हिचकिचाता। माना जाता है कि शेंचेन में मौजूद DJI टेक्नोलॉजी की दुनिया के कमर्शियल ड्रोन बाजार में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, लेकिन वो भी अमेरिका के रडार पर आ गई, क्योंकि पेंटागन का मानना है कि देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है। हालांकि अमेरिका ने DJI टेक्नोलॉजी के खिलाफ ये कदम उठाकर निवेशकों को इस कंपनी से दूर रहने की चेतावनी दे डाली, जबकि चीन ने अमेरिका के इस कदम को राजनीतिक चाल करार दिया। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका कई चीनी कंपनियों पर बैन लगा चुका है।